दिल्ली एमसीडी चुनाव के बीच कुमार विश्वास को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने इस बारे में ट्वीट भी किया है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और आपके पूर्व नेता कुमार विश्वास को ईमेल के माध्यम से धमकियां और भगवान श्री राम को आपत्तिजनक शब्द बोलने का मामला सामने आया है। इस बात की जानकारी खुद कुमार विश्वास ने ट्विटर पर दी है। हालांकि कुमार विश्वास की ओर से इस मामले की शिकायत दर्ज करा दी गई है। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने धमकी देने की बात को स्वीकार करते हुए कहा है कि मेरा अरविंद केजरीवाल से वैचारिक और भावनात्मक लगाव, इसलिए मुझे बुरा लगता था। दरअसल कुमार विश्वास के मैनेजर प्रवीण पांडे द्वारा इस मामले की शिकायत इंदिरापुरम थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कराई गई थी। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से एक शख्स की ओर से लगातार ईमेल के माध्यम से धमकी दी जा रही है। ईमेल करने वाले व्यक्ति ने भगवान राम के लिए बेहद आपत्तिजनक बात कहते हुए उनकी महिमा मंडन नहीं करने की चेतावनी दी है। साथ ही धमकी देने वाले शख्स ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कुमार विश्वास से बेहतर बताते हुए उन पर टिप्पणी नहीं करने की चेतावनी भी दी है। प्रवीण पांडे ने बताया कि शख्स ने ईमेल में लिखा है, मैं शहीद उधम सिंह की शपथ खाता हूं कि तुझे मार दूंगा। इस मामले में कुमार विश्वास के ऑफिस की ओर से ईमेल की सूचना गृह मंत्रालय द्वारा मुहैया कराई गई, सुरक्षा एजेंसी को भी दे दी गई थी। वहीं इसे लेकर कवि कुमार विश्वास की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कुमार विश्वास ने ट्वीट किया है, अब उन्हें और उनके चिंटू को मेरे द्वारा मेरे राघवेंद्र सरकार राम का महिमा मंडन करना पसंद नहीं, कह रहे हैं कि मार देंगे, ये सब ठीक है, पर अपने चिंटुओं को बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को गाली ना बके, अपना काम करो, नहीं तो याद रखो रावण तक का वंश नहीं बचा। वहीं इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम लोकेश शुक्ला है, जो इंदौर मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इंदिरापुरम थाना प्रभारी देवपाल सिंह पुंडीर का कहना है कि लोकेश ने कवि कुमार विश्वास को 23 अक्टूबर को सबसे पहला धमकी भरा मेल भेजा था। इसके बाद उसने अगले 4-5 दिनों तक कवि कुमार विश्वास भगवान श्री राम को धमकी भरे मेल किए, जिसमें उसने शहीद उधम सिंह की कसम खाते हुए जान से मारने की भी धमकी दी। लगातार धमकी भरे मेल मिलने के बाद कवि कुमार विश्वास के कार्यालय ने गंभीरता से लिया और तत्काल गृह मंत्रालय को इसकी सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि मेरा अरविंद केजरीवाल से वैचारिक और भावनात्मक लगाव है, इसीलिए मुझे बुरा लगता था। फिलहाल पुलिस आरोपी को जल्द न्यायालय में पेश कर उसे सजा दिलाने का काम करेगी। तो ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।